गाइस वेलकम टू द पबजी मोबाइल लाइट अनदर गेम प्ले। जी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। भाई एक भैया क्या कह रहे हैं, कार्टून अपनी शादी में कौन सी माला पहनोगे, जूतों की या चप्पलों की? अबे भाई जूतों चप्पलों वाली माला ओल्ड फैशन हो चुकी है, मैं तो सोच रहा हूँ आलू टमाटर वाली पहनूं, कैसा रहेगा? भाई हमने फॉलो किया था खान साहब को, अब वो उतारे विलेज पे, यहाँ चार ही घर हैं, चार लोग हैं, मिलेगी लूट क्या घंटा। हमारी टीम के जो चार नंबर थे माया भाई, उनका माइक खुला तो था लेकिन कुछ आवाज नहीं आ रही थी। अब भाई हम इधर चिल्ला चिल्ला के थक गए, माया भाई माया भाई, और माया भाई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। हम क्या माया भाई बैठो आके गाड़ी में, माया भाई तो माया भाई के माइक से खाली कुछ आवाज आ रही थी। हम क्या भैया तीन नंबर तुम कब आओगे, जब व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे तब। उधर हमारी टीम के दो नंबर पता नहीं कहाँ लूट रहे थे, अब उनको लेते तो बहुत टाइम निकल जाता। हमने कहा भाई चले बंदों के पास, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो ये लोग एकदम शांत थे। तब तक सामने चौराहे पे एक गाड़ी दिखाई देती है और ये भाई सब गाड़ी खड़ी करके पेटी लूट रहे थे आराम से। क्या कर रहे हो भैया, तब तक हम गाड़ी पीछे करते। अरे भाई साहब ये कौन आ गया नीचे, सूर्या भाई? मतलब आज तक तो हमने ऐसा बैक साइड में पिचकियों कभी किया ही नहीं था। भाई साहब को गाड़ी दिखी नहीं रही थी, कहो सूर्या भाई आंखें में मोतिया बिंद हुआ है का, इतनी बड़ी सांड जैसी गाड़ी आपको दिखी नहीं रही है। उधर हमारी टीम के बंदे भना भन लूटे पड़े थे, हमने कहा भैया जल्दी लूटो। अब भाई ये लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, हमने कहा लाओ खुजली करना ही पड़ेगा। हम क्या माया भाई चलो गाड़ी में चलते हैं, आओ भाई तीन नंबर बैठो गाड़ी में। माया भाई बैठो यार गाड़ी में, क्या कर रहे हो, कितना लूटते हो भाई तुम, क्या माया भाई क्या भाई भाई कर रहे हो यार मेरा। बे ये तो लड़की है। तो आवाज से पहचान नहीं पाएंगे। माया कह रही आवाज से पहचान नहीं पा रहे थे क्या? अरे कैसे पहचानेंगे, पहली बार तो आवाज के दर्शन हुए हैं और सामने एनिमी को देख लो भाई साहब। हमारी टीम के बंदों को देख लो, उतरते ही तुरंत पेटी लूटना चालू कर दिए। हम कहे गोलियां चल रही है भैया गाड़ी में बैठो, क्या कर रहे हो, तीन नंबर पेटी लूट रहा है भैया गाड़ी में बैठो यार, चार नंबर स्विमिंग करने चली गई। हम कहे चार नंबर गाड़ी में बैठो, क्या कर रही हो माया, ऐसे खेलते हैं क्या? यार ये तो टेंशन में आ गई। हम कहे कोई बात नहीं माया, अक्सर इंसानों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अब भाई हम गाड़ी लेके दो नंबर के पास जा रहे थे, उसको भी सोचे बैठा ले, तो देख रहे एक आदमी अपनी बंदूक झोले में डाल के पिकनिक मना रहे थे। हम कहे कहाँ जा रहे हो, कुछ लो। अरे भाई साहब रुक जाओ अभी बताते हैं, ले बेटा भम 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 उतरवा दिया। अरे एक तो हमारे तीन नंबर को देख लो, कोई मरा नहीं, तुरंत चले जाएंगे दौड़ के पेटी लूटने के लिए। हम कहे भाई तुम कितना लूटते हो यार, आप गाड़ी में बैठो जल्दी से, बैठो भाई कितना लूटोगे, और भी बंदे को मारना है भाई। अब माया के सामने हम थोड़ा भोकाल वोकाल मार रहे थे तो इनको खुजली हो गई, ये सोचे हमारी बेइज्जती हो रही है। कह रहे कैसे खेल लो, ठीक से खेलो। सही खेलना भाई, हेलो सही से खेले, अब कैसे सही से खेले भाई। इनका कहने का तात्पर्य ये था कि उतर के पैदल पद यात्रा करते हुए सबको मारो, कहे से हम गाड़ी से सबको कुचल ही दे रहे थे, किल इन लोगों को मिल ही नहीं पाता। पिच गया, कहो माया कैसा लगा? हम कह लो माया को और खुजली कर दे। हम कह हेलो माया तुमने बताया नहीं तुम कहाँ से हो? राजस्थान से। अरे वाह राजस्थान से, वो तो मेरी फेवरेट प्लेस है। भाई इनसे कुछ भी पूछो, हाँ ना हाँ। हमने कहा इनके पास तो खाली लग रहा है दो ही वर्ड पता है। हमने कहा छोड़ो भैया बाद में बात करेंगे, बल्ले बंदों को ढूंढ ले, तब तक दो नंबर किसी से लड़ाई करना शुरू कर देते, एक बंदे को नॉक कर देते। हमने कहा रुक जाओ बेटा आ रहे अभी। अरे उतरो भैया गाड़ी से, अब लुबटा भम 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 चलो पर। भाई यहाँ पे भी इन लोग को एक भी किल नहीं मिलता है। हम कह लो माया को फिर से खुजली कर दे। हम कह माया हेलो माया माया। हाँ। देखा कैसे मैंने दो दो बंदों को अकेले ऊपर पहुंचा दिया। इनसे तो बात ही करना बेकार था, खाली दो ही चीज बोली थी। हाँ तो जब गोली पड़ रही है तो क्यों लूट रही हो, चलो ना यहाँ से, गाड़ी दोनों फंस चुकी है चलना पड़ेगा, तो ये कुछ बोली नहीं रही थी। हमने कहा इनके चक्कर में हम भी ऊपर चले जाएंगे, तब तक इनके चिल्लाने की आवाज सुन के देख लो, तीन नंबर दो नंबर तुरंत उनको दौड़े दौड़े बचाने चले गए। हम कह जाओ भैया। भाई इसी बात पे एक शेर हो जाए कि वह इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, लिखती है आई लव यू और सेंड टू ऑल करती है चुड़ैल।
अब भाई एक स्वाति नाम की लड़की AWM से चम्मा चुम्मा कर रही थी। हम कह रुक जाओ भैया पहले गाड़ी ले ले, बिकॉज एज यू गाइज ऑलरेडी नो व्हीकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिकन डिनर। हम तुरंत गाड़ी लेके पहुंच जाते। अब भाई पीपल ट्री के पीछे से झांक के देखते हैं तो काजल और स्वाति जी छोटे छोटे कदमों से जली आ रही थी जोन में। हम कह लिकटाप। लो भाई साहब पैर फिसल गए क्या स्वाति जी? हम कह कहीं गड्ढे में तो नहीं गिर गई? तब तक खान साहब काजल का गला ही दबा देते। हमने कहा यही बढ़िया मौका है, जल्दी से चलो भैया रस कर देते। हमने कहा भैया सब लोग गाड़ी में बैठो जल्दी से, आ जाओ कमॉन कमॉन। तब तक स्वाति खान साहब को प्रसाद दे देती है। अभी चिल्लाना शुरू कर दिए, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, जल्दी आओ जल्दी आओ। हमने कहा भैया रस करेंगे, हमने कहा जल्दी गाड़ी बैठो। माया गाड़ी में बैठो, क्या कर रही हो माया? तीन नंबर को देख लो, कह रहे पहले रिवाइव दो। हम कहे ठेंगा लोगे? कहे कहाँ गई स्वाति? यही तो थी काजल। स्वाति तो देख रहे सामने वाले घर में। हमने कहा तुम काजल को मारना, हम स्वाति को मारेंगे, स्वाति मेरा शिकार है। अरे कहाँ दौड़े तुम लोग, अभी बताते। बाहर निकल, दरवाजे का बंद कर ली, निकल बाहर। बाहर आ लिपटा, भम भम भम, टाइम आउट स्वाति, टाइम आउट। तो भाई एक भैया तो चार दिन से हमको एकदम डंडा कर दिए। कार्टून तुम्हारे बच्चे काले होंगे या गोरे होंगे? काले होंगे या गोरे होंगे? अबे भाई हमको क्या पता यार, काले होंगे गोरे होंगे, हम कोनो भगवान है क्या? ये क्या बोल रहा है भैया, पूरा गोबर है काई। अब भाई हमारी टीम के चार नंबर का ही खाली माइक खुला था। हम क्या हेलो भाई नूब खांडू, हेलो हेलो भाई नूब खांडू, पता नहीं कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बस माइक से इनके आवाजें थी। कहे तुम लोग कहाँ भाई, अकेले अकेले उतर गए यार, सब लोग साथ में आ जाओ भाई। तो तीन नंबर गाड़ी उड़ी उठा के हमारे पास आ जाते हैं। अब भाई आगे से गोलियों की आवाज आ रही थी, कहीं से एक स्क्वाड वेयर हाउस के पास उतरी थी। तब तक एक बग्गी की साउंड आती है और वो भाई साहब गाड़ी खड़ी करके तीन नंबर को तीछी निगाहों से देख रहे थे। जैसे मौका मिला तुरंत उड़ा दिए उसको। और ये भाई साहब तो इतनी जल्दी में थे कि हेलमेट भी नहीं पहने थे। लुबटा भम भम भम, का हो नो हेलमेट चैलेंज कर रहे थे क्या? भाई इनको हमने प्रसाद दिया था तो इनके दोस्त भी जरूर आएंगे बदला लेने। हमने कहा जल्दी से चलो भैया तीन नंबर का गुली गुली कर दे। अब इनका गुली गुली जैसी कंप्लीट करके बाहर जा रहे होते पेटे लूटने, तब तक देख रहे गाड़ी भर के लौंडे आ जाते हैं। हमने कहा वापस चलो भैया, ऐसा गोली मारते तुरंत दरवाजा बंद करके अंदर ही भाग जाते हैं। भाई सामने बंदे दिख रहे थे, हम कहे तीन नंबर गोली चलाओ यार, बंदे बच जा रहे हैं। तो तीन नंबर देख लो पता नहीं कहाँ गायब है। हम कहे तीन नंबर गोली काहे नहीं चला रहा है? तो ये भाई साहब केडी बढ़वाने बिजी थे, केडी भाई देवता के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। खेलो भैया छुपन छुपाई। भाई जो बंदे हम लोग को मारने आए थे अभी तक आए नहीं, हम कहे कहाँ रह गए भाई? तो देख लो चौराहा क्रॉस कर रहे थे, ऐसा गोली चला के मारते चौराहे पे ही बेहोश हो जाते। हम कहे इसको तो पूरा खा जाओ भैया, भालू है बाद में कहीं हम लोग को ना खा जाए। अब भाई बाकी इनके टीम के बंदे दिख ही नहीं रहे थे। हम कहे लो भैया गाड़ी लेके निकले, ढूंढे इन लोग को कहाँ है पता नहीं, दिख नहीं रहे। ये देख लो हम इनको कुचलने जा रहे हैं तो ये मंकी की तरह उछल उछल के किनारे हुए जा रहे हैं। अब भाई दूसरे बंदे को कुचलने जा रहे थे तो सामने वो पीपल ट्री के पीछे जाके छुप गए। हम कह कुचले तो कुचले किसको यार, तब तक भाई साहब ऐसा एंगल बना के मारते हैं बच गए। अरे डिंगे डोंग डिंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंगे डोंग डिंग भम 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 चलो पार। तब तक सामने से इनके दोस्त ऊपर छलांग मार के आ जाते हैं हमसे बदला लेने के लिए। हम क्या आ जाओ बेटा। अरे डिंगे डोंग डिंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग भम 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 चलो पार। तो भाई इसी बात पे एक शेर हो जाए कि तेरा होने लगा हूँ तुझ में खोने लगा हूँ, बाकी कल बताऊंगा अभी मैं सोने लगा हूँ, निकल जल्दी चल निकल भाग। भाई गाड़ी लेके हम जा रहे थे, कहीं से आगे से खोपड़ी खाने वाली गन की आवाज आ रही थी। और इधर केडी भाई देवता देख लो आजकल ये भी जिगल मार के किनारे हो जा रहे। तब तक एक आदमी उछलते कूदते दिख जाते हैं, हम क्या पहले इसको ठेल लेते लो बेटा भम 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 चलो ऊपर। भाई ऐसा लग रहा था कि कोई हमको तिरछी निगाहों से देख रहा है। हमने कहा भागो भैया जल्दी से, ऊपर से हमारे पास हेल्थ किट भी नहीं थी। हमने कहा भाई बैठो गाड़ी में यार, आओ जल्दी से यार क्या कर रहे हो? तो ये भाई सब केडी बढ़वाने बिजी थे। हम कहे तीन नंबर बैठो भैया, मरवाओगे क्या तीन नंबर? अब आप बाहर बैठ जल्दी। तब तक पीछे से केडी भाई देवता चिल्लाने लगते हैं, कार्टून दिवाली बोनस तुमने अभी तक दिया नहीं, बिना बोनस दिए तुम नहीं जा सकते। हम कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कौन रोकेगा बे हमें? इधर हमारी टीम के दो नंबर फॉर्म अप ऑन मी
कॉमोपन में करके इतना डंडा कर दिए थे, क्या ही बताए भाई साहब का। हम तो इनका बाद में बताएंगे कि ये पूरे मैच में किए क्या है। अब भाई इधर जिस बंदे को मारा था उसकी टीम के बंदे हम लोग को बॉल फायर करके बुला रहे थे और भाई साहब साफ बन के आराम से लेटे हुए थे, हम क्या अभी बताते। वो दूसरा वाला उठ कहाँ गया भैया, लुटा भम 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 चलो ऊपर, जब जब गुम्मा चलेला दुश्मन के टट्टी हगास निकलेला। भाई जैसे लूट रहे थे तब तक पीछे से खोपड़ी खाने वाली गन की आवाज आती है और तीन नंबर को सब ठेल देते। हमने कहा रुक जा बेटा अभी बताते, तो देख रहे यहाँ तो दो तीन बंदे जूता चप्पल लाठी डंटा लेके आ गए। हमने कहा भाग चलो भैया यहाँ से। अब भाई पीछे से एनिमी गोली तो चला रहे थे पर स्केटिंग में गोली लगती नहीं है। अब आगे जाते तो देखते एक आदमी पानी से निकल के आ रहे थे बाहर, तो ये भाई साहब तो इतनी जल्दी में थे कि हमको देख ही नहीं रहे थे। क्या भैया ध्यान नहीं दे रहे हो, गर्लफ्रेंड बुलाई है क्या। भाई पीछे वाले बंदे हमको ढूंढ रहे थे पागल कुत्ते की तरह और हम एकदम पानी में छुपे रहे थे। उधर हमारी टीम के जो दो नंबर थे वही अब बाकी थे, तो हम अपन में बस एक ही लाइन की रट लगा रखे थे। हम क्या हम नहीं आएंगे भाई तुम ही आ जाओ। तब तक सामने एक बंदा उछल कूद मचा रहा था, हम क्या अभी बताते। लिकटाप लिकटाप लिकटाप, अरे भाई साहब गोली चिपक ही नहीं रहती। हम क्या हो गया, बंदूक में कहीं पानी तो नहीं घुस गया। कह चलो भैया पहले घर के अंदर चलते हैं, वहाँ बंदूक उंदूक साफ करेंगे तब आराम से गोली चलाएंगे। अब हम गाना गाते हुए आराम से गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से ले जाऊंगा तुझको दूर सबकी नजर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। आई बाप आ गया क्या बे। भाई हम इधर लड़ाई कर रहे थे और दो नंबर आराम से इधर से उधर टहल रहे। हम क्या यार दो नंबर तुम क्या कर रहे हो भाई, ऐसे खेलते है क्या यार, कॉन्करर जाना है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम लड़ाई ही नहीं करोगे, कम से कम एक दो लोगों को तो मारो। दो नंबर ए दो नंबर दो नंबर, अब सुनाई दे रहा है कि नहीं। फॉर्म अप ऑन मी, ये देख लो भाई सबको जोन बनाए थर्ड डील में और कह रहे फॉर्म अप ऑन मी। का भैया पूरा दिमाग में गोबर ओबर भरे हो का। अब भाई इधर हम गोली चला रहे होते हैं तब तक केडी भाई देवता की बीवी बोली होती है कार्टून ये नदी का पानी बहुत ठंडा है, तो क्या करें नदी में गीजर लगवा दे। भाई सामने वाले बंदे गाड़ी उड़ी लेके तुरंत ब्रिज क्रॉस करके इधर ही चले आ रहे थे। हम कह लो भैया पोजीशन चेंज कर ले वरना डायरेक्ट इसी घर में आके रस कर देंगे। तब तक कोनो और हमको देख रहा होता है गोली चलाना शुरू कर देता हमारे ऊपर। अबे रुक जाओ भैया जान ले लोगे क्या हमारी, ऊपर से हमारी वेस्ट ईस्ट की तो एकदम धज्जियां उड़ गई थी। भाई हमारी हालत भी ऐसी ऊंची की थी जैसे आज इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के मैच में जो इंडिया की हालत हुई है। वाह भैया क्या इंडिया टीम प्रदर्शन कर रही है गजबी। ऊपर से कमेंट करके बंदे हमें क्या बोल रहे हैं, कार्टून इंडिया क्या कर रही है, सारी विकेट खो दे रही है, क्या कर रहे हो तुम अपने घर से। भाई किसी का मैच में ध्यान ही नहीं है, सबका गुलछर्रे उड़ाने में ध्यान दो। भाई चार ये लोग बचे थे, दो हम लोग बचे थे और ये चारों हम लोग को ढूंढ रहे थे। अब भाई हम इधर टीपीपी लेके खड़े थे लेकिन दो नंबर हमारी टीम के इतने महान भाई साहब बॉल फायर कर को बुला दिए, ऊपर से बंदा भी लॉन्चर लेके टहल रहा था। हम कह लो भाई साहब अब तो लंका लगने वाली है, जैसे अंदर आते मारते गुम्मा लेकिन अंदर बाहर कर रहा होता है, कभी इधर जा रहा होता है कभी उधर जा रहा होता है, रुक ही नहीं रहा होता है। हम कह भागो भैया, वतन इंडिया जीती की हारी, हार भी गई बहुत जल्दी यार।